बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। हालांकि कुछ जगहों पर वोटिंग दूर से शुरू होने की भी सूचना मिली है। यूपी की 7 सीटों में से एक विधानसभा सीट घाटमपुर की बूथ संख्या 160, 158, 161 पर ईवीएम खराब होने की वजह से यहां 7 बजे चुनाव शुरू नहीं हो पाया था। चुनाव अधिकारी ईवीएम को सही करने में लगे हैं। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में 3,19,000 से अधिक लाख मतदाता मतदान करेंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान किया जाएगा। देर रात तक अफसरों ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव पर पैनी नजर रखने के लिए खाटमपुर तहसील व कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है। 260 मतदान केंद्र में मंगलवार को मतदाता मतदान करेंगे। देर रात तक सभी 529 पोलिंग पार्टियां पहुंच गईं। सभी मतदाताओं को कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान करना होगा। मतदान स्थल पर आने वाले सभी मतदाताओं को जिला प्रशासन की ओर से ग्लव्स दिया जाएगा। मतदान करने के बाद डस्टबिन में दस्तानों को फेंक देना होगा। सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मास्क लगा कर आना होगा। बिना मास्क के मतदान करने को नहीं मिलेगा। हर बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के लिए भी कोविड नियमों के अंतर्गत फेस मास्क दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोटिंग होगी। घाटमपुर उपचुनाव में कोरोना पीड़ित 80 साल से ऊपर और दिव्यांग 458 मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। 458 को पोस्टल बैलेट भेजे गए हैं। सेना में नौकरी करने वाले 1271 सर्विस मतदाताओं को भी मत दिए गए हैं। सभी को मत भेज दिए गए हैं। सभी मतदान करके भेजेंगे। सभी मतों को मतगणना में शामिल किया जाएगा। सभी के घरों में टीम भेजकर पोस्टल बैलेट को भेजा गया है। मतदान करने के लिए मतदाताओं को 11 दस्तावेजों में से कोई एक लाना जरूरी है। एडीएम आपूर्ति बसंत अग्रवाल ने बताया कि अगर कोई मतदाता अपने फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं दे पाता है तो उसे अन्य दस्तावेजों से मतदान करने का मौका मिलेगा। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, RGI से जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों का फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र और सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र से मतदान करने की अनुमति है। चुनाव पर पैनी नजर और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मतदाता का तत्काल कलेक्टर व घाटमपुर तहसील में बने कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकता है। SDM खाटमपुर अरुण कुमार ने बताया कि खाटमपुर तहसील में 0511 27,1000 और कलेक्ट्रेट में बने हुए कंट्रोल रूम में 0512 30,31,64 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मतदान के समय किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तत्काल जानकारी दें। उपचुनाव को देखते हुए पूरे जिले में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला जज ने मंगलवार को कचहरी व कोर्ट बंद करने का आदेश जारी किया है। एटीएम फाइनेंस वीरेंद्र पांडे ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पूरा जिला बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कारखाने, फैक्ट्री और कोषागार को भी बंद किया गया है। मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर पूरी तरह से बंदी की गई है। चुनाव में लगे सरकारी विभागों को छोड़कर सभी विभाग बंद रहेंगे। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता रामेश्वर मिश्रा की रिपोर्ट। सर, मतदान आज हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है जो मतदाता आ रहे हैं? देखिए, घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह 7 बजे से सभी पोलिंग सेंटर्स में मतदान शुरू हो गया है। तो देखते हुए जो आयोग के निर्देश थे कि प्रत्येक वोटर को पहले स्क्रीन किया जाएगा, तो उसके लिए हर बूथ पर स्क्रीन करने के लिए संबंधित जो आशा है उसको लगाया गया है, वो इंफ्रारेड थर्मल। इसके साथ हर वोटर को वोट डालने से पहले उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, अगर वो मास्क पहन के नहीं आए उसी के बाद उसको वोट डलवाया जा रहा है, ताकि कोरोना के समय में किसी तरह का कोई संक्रमण फैलने का खतरा ना तो वोटर को रहे
नहीं, हमारी पोलिंग पार्टीज को इसकी बड़ी मात्रा में दिव्यांग लोग भी मतदान करने आ रहे हैं, उनको लाने ले जाने की किस तरह की व्यवस्था करेंगे? देखिए, हर दिव्यांग वोटर के लाने के लिए दिव्यांग सारथी का प्रबंध के निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं, और उनको जो हमारे BLOs हैं उनके माध्यम से उनके साथ संबंध स्थापित करके दिव्यांग वोटर्स को उनके लिए विशेष प्रबंध किया जाता है कि उनको बूथ तक लाने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। सर, घाटमपुर में पिछले 4 घंटे में मैं जो है 14.76% मतदान हुआ है। सर, क्या वजह है कि इतनी कम मतदान जो है, क्या कोविड वजह है इसकी? नहीं, कोविड तो उतना वजह नहीं है, बट आप सब जानते हैं कि उपचुनाव में लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है। प्रयास किया गया है स्वीप के माध्यम से ज़्यादा वोटर्स में अवेयरनेस पैदा की जाए और उनको पोलिंग बूथ पे लाया जाए। हमने तमाम राजनीतिक दलों के साथ में भी पूर्व में मीटिंग किया है, उन लोगों को भी हमने मोटिवेट किया है, जन जागरूकता के कार्यक्रम भी यहाँ पे करवाए गए हैं। अभी तो हमारे पास केवल 4 घंटे का वोटिंग परसेंटेज है, जो करीबन 14.76 करीब है। हम आशा करते हैं कि अगले 2-4 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा हो जाएगा।